डाल देना छुटके वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में, एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। सो गाइस आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड तवाई व्लॉग होने वाला है। सो अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड कमेंट करके जरूर बताना व्लॉग आप सबको कैसा लगा। गाइस बाकी का व्लॉग बनाने वाला हूँ, वैसे रिसेंट मेरा पिछला व्लॉग भी लोकल ही था इधर का ही, बट अभी थोड़ा अलग होने वाला है व्लॉग क्योंकि मैं कलम साइड को जाने वाला हूँ, रिफ्यूलिंग भी करवानी है गाइस एंड यार फटाफट से चलते हैं। और विली मार रहा था, कट मार गई बाइक, चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से ट्राई कर रहा था विली का बट हो नहीं रही। एक तो दिक्कत ये है ना, टायर पूरा घस चुका है इसका पीछे का और चैन है ढीली, तो अगर चैन सही होती ना फिर दिक्कत नहीं होती इतनी। तारे दिख रही है टायर की ना और मैं फिर भी खतरनाक भगा रखी है, फुल पावर भगा रखी है। वायरें दिख रही है टायर की और यार मतलब तुम्हारा भाई ना फिर भी नेक्स्ट लेवल चल रहा है, विली भी मार रहा है और जबकि विली में टायर थोड़ा सा आपको पता ही है दिक्कत होती है। और मेरे भाई ने ना मेरे को बोल के भेजा तो शांत रहे कि भाई आराम से चलाइयो, टायर की हालत तेरे को पता है बिल्कुल ख़राब हो चुका है। कल टायर लेके गए थे गाड़ी में डलवाने के लिए गए हुए थे बट शॉप बंद थी कल, तो कल चेंज नहीं हुआ और आज मेरे को ब्लॉग बनाने आना पड़ा। तुम्हारा भाई पास लेते हुए विली मार रहा है, भाई कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। मतलब पास लेते हुए कौन मारता है विली और मैं फिर भी विली मार रहा हूँ, पास ले रहा हूँ और विली मार रहा हूँ। अगर यार हैंडल ना मैं समझ गया, अगर बाइक का हैंडल थोड़ा आगे की तरफ का है ना तो आप विली अच्छी कर सकते हो, अगर नहीं है ना आगे को तो फिर दिक्कत होती है। अगर ऐसे हो ना हैंडल तब दिक्कत नहीं होती, तब अच्छा चलता है। तो अभी चलते हैं फटाफट से कलाम साइड। सो गाइस यार मतलब अरे कॉल आ रहा। हाँ जी कैसे हो, क्या हो गया, बस छुट गई फिर अब कॉलेज जाना है भाई, क्या सीन है, रोड टूटा हुआ है यहाँ पे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो चेक कर लो थोड़ी सी साइड को पीबी नंबर, सो अभी चलते हैं यार फटाफट से इसको नान छोड़ के फिर चलते हैं वापस से कलाम साइड, अपने को काम है। अच्छा टूर्नामेंट किस चीज़ का है आपका, कबड्डी का टूर्नामेंट है, ओके टूर्नामेंट खेलते हो। मेरी बाइक में ना प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी ना यार, जब मैं विली करता हूँ ना तो एक साइड को ऐसे 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 लहराते हुए जाती है, सांप बनाते हुए यू 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 कट। इसको बिठा के हाइपर राइडिंग का मन तो नहीं कर रहा थोड़ा सा, इससे बाद में पूछेंगे इसको कैसा लगा। मेरे को पता है ना बंदा डर जाता है यार ऐसे क्लोज कट मारने में ना, मतलब खतरनाक ही सीन हो जाते हैं भाई। भाई तो देखता रहा मैं निकल गया इतना। सो अभी ना मैं ज़्यादा लीन नहीं मारना चाहता, मैं आपको ना एक चीज़ भी दिखा दूंगा क्यों नहीं ज़्यादा मैं भगा रहा और क्यों ज़्यादा लीन नहीं कर रहा बाइक को। इसमें ना यार प्रॉब्लम आ रही है, एक छोटा सा इशू है आपको बताया मैंने जैसे कि टायर का, सो टायर की वजह से ना बाइक ना वोवल कर रही है, मतलब जैसे लीन मार रहा हूँ ना हल्का फुल्का इधर उधर जा रही है बाइक, तो थोड़ा सा समझ रहे हो ना प्रॉब्लम वाली चीज़ है वो। और सेफ भी नहीं है यार क्योंकि पीछे विदाउट हेलमेट, ओ ओ ओ वरना वाला भाई कितनी तेज आ रहा है, स्कॉर्पियो वाला पास नहीं होने तेरा। भाई मेरी रेस लग गई स्कॉर्पियो वाले के साथ अब तो पक्की है, चल फिर भगा भाई अब तू, मैं भी भगाऊंगा, बस टायर की वजह से नहीं भगा रहा था अभी तक। तो हैंडल भी सही करवाना है, हैंडल 390 वाला ही है वैसे तो, 390 का हैंडल मेरे पास पड़ा है
तो 390 का हैंडल तो डल जाएगा। और उसके बाद क्या है, टायर चेंज हो जाएगा, टायर घर पे पड़े हैं, दोनों टायर चेंज हो जाएंगे और फुट रेस्ट वगैरह लगाने हैं, बट फुट रेस्ट मैंने लगा नहीं रखे, पीछे कोई बैठता तो है नहीं तो फुट रेस्ट लगाने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बट शायद अब लगाने पड़ जाएँ, तो मे बी देख लेंगे जैसा भी होगा, अगर लगाने होंगे तो लगा भी लेंगे, ऐसा तो कोई सीन है नहीं। बट थोड़ा सा ये है कि यार फुट रेस्ट के लिए ना वो साइड का मेरे को पूरा चेंज करवाना पड़ेगा। और मैं नाहन पहुँच ही गया, इनको कहाँ पे उतरना होगा पता नहीं है, चलो दिल्ली, वैसे इनको कॉलेज जाना है तो शायद मे बी दिल्ली गेट या कॉलेज वाली साइड ही उतरेंगे, फिर ये कॉलेज ही उतर जाएंगे जब मैं जा ही उधर को रहा हूँ, तो कॉलेज साइड ही उतर जाएंगे, कॉलेज के पास ही। ये वायर्स निकल गई है पूरी, और भाई मतलब हाथ कट जाएगा, पूरे टायर की वायरें निकल गई है। सो अभी ये भाई नेक्स्ट लेवल जाम है यार, ठीक है फिर, ओके बाय, ठीक है। hours later बेटा तुमसे ना हो पाएगा, देहरादून जा रहा हूँ यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मेरा ना माइक में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई, माइक नहीं चल रहा फिर से, पता नहीं कल किसान को बाइक चलाने को दी थी तो उससे ना शायद हाथ उठ लग गया और माइक का ना वो पिन होता है वो टूट गया हुआ, इसका मेरे को लग रहा है कुछ कन्फर्म नहीं है, बट मैंने माइक ऑर्डर कर दिया फिर दोबारा से, एक भाई टायर गया, ओए ठीक होगा यार, ये तो गया टायर, हेलो अब हवा का देखना पड़ेगा, पहले हवा भरवा के देखनी पड़ेगी, अगर उसकी तो ठीक है, चलो कहाँ है यार, ये तो गलत ही सीन हो गया भाई, चलती बाइक में मैं सोच रहा, मैं तो हुआ क्या बाइक का एकदम से, पता नहीं भाई क्या हुआ, हवा हवा करके देख लो एक बार क्या पता चले, भाई खतरनाक सीन हो गया यार, हेलो पंचर है क्या, फट गया, फट रहा अंदर से ना, ज्यादा तगड़ी हवा निकल रही है तो चलने का मैंने रखा है, मेरे पास एक टायर अगर चाहिए तो पंचर लगा के देख लो ना इसमें, खतरनाक तरीके से डला था, डल नहीं रहा था टायर, बड़ी मुश्किल से डाला था, वो देख रहे स्प्लेंडर में टायर यार, खतरनाक टायर डल रहा, कौन सा सेक्शन का ये स्प्लेंडर है, 180 टायर है, क्या चलती होगी, ये चलती होगी, एक ये उड़ रही हवा में, जो स्प्लेंडर ने मतलब मोटर टायर किक कर डाल दिया, एक्सल जब पीछे मुड़ के यूं एक्सल चेंज करा हुआ ना पीछे का, चेंजेस काटा थोड़ा सा, हां चेंजेस काट के फिर डाला वो, रेंज कुड़े पीछा नहीं करती डारा रा, जीने खेलना हुंदा बैगन मारा, रोज ओला दे कम दे नी सने लाने जोंने सुचिया दे, साडे बेते राजे जम दे नी, तेरे उत पे उमरा दस दिया नी जब्बा तो पीछे।
कल्चर कैरी करते यहाँ।